हेलो गाइस, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अस्ताद astaad.com के अंदर। आई वेलकम यू टू दिस चैनल एंड जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी फैमिली है, उनको मेरी तरफ से एक तरह से धन्यवाद कि आप इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कर रखे आपने और देखते हो वीडियोस को, और काफ़ी अच्छे से कमेंट्स भी आते हैं कुछ लोगों के। बट यार, जितने भी सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, सब एक एक कमेंट तो ज़रूर किया करो कि वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ उसमें आपको अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। और इससे क्या होता है, फीडबैक आती है ना तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सी मिलती है आगे काम करने के लिए। तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए वीडियो के एंड पे। और आज की जो वीडियो है वो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो कुछ नया नहीं है, बट मैं एक तरह से जो है एक स्टार्टिंग से, एक पहली सीढ़ी से मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। बिकॉज क्या हुआ, बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वीडियोस नहीं आई, तो थोड़ा ऊपर नीचे सिक्वेंस हो गया, मैं सब उल्टा फुल्टा सा हुआ। मैं चाहता हूँ कि सब सिक्वेंशली दोबारा से शुरू हो। आज की जो पहली वीडियो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जब गाड़ी है क्या सिस्टम क्या नहीं है, डिटेलिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से हम, क्योंकि इसका एक तरह से इंट्रो ले लेंगे गाड़ी का। तो आज गाइस ये इंट्रोडक्टरी ही वीडियो रहेगी। मैं धीरे धीरे करते हुए मैं इसमें और वीडियोस लेके आऊंगा कि गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे घुमाना है, लेफ्ट जजमेंट, ये जजमेंट, वो जजमेंट, सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी हैं। बट क्या होता है, सबका अपना अपना नजरिया, सबकी अपनी अपनी गाड़ी, सबका अपना अपना चलाने का तरीका। तो गाइज, आज की जो इंट्रो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी के जो बेसिक, जो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ें लगी होती है एक्सटीरियर पे, वो हम पहले कवर करते हैं। इंटीरियर तो सारा बैठने वाला ही काम है, वो हम बाद में कवर कर सकते हैं इजीली। तो गाइज़, अगर हम फ्रंट पे देखते हैं ना, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या चीज़ें, एक जगह नंबर लिखा है, बीच में कुछ लोगो सा है, लाइट्स हैं एंड टायर है, तो बम्पर है और मिरर्स, शीशे वगैरह दिख रहे हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो गाइस, ये तो सबको पता ही होगा, यहाँ पे नंबर प्लेट्स लगती हैं और ये नंबर प्लेट हम इसको बोलते हैं। तो गाइस, ये जो छोटे छोटे बल्ब हैं जो ब्लैक करवा रखे हैं, ये हैं इंडिकेटर्स। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाला जलेगा, और अगर आपको राइट की तरफ को जाना है तो आपका ये राइट वाला यहाँ पे जलना शुरू हो जाएगा। कैसे जलेगा वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एक वीडियो है। अगर आप ज़्यादा जानने के इच्छुक हो अभी से ही, तो मैं आपको इंडिकेटर के जो है वीडियो एक तरह से ऊपर लगा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो गाइस ये है हेडलाइट्स। तो यहाँ भी हमारे पास तीन लाइट्स हैं, देखो सबसे पहले ये पार्किंग वाली होगी, ठीक है, और ये हेडलाइट होगी, ठीक है, और अंदर जो है रिफ्लेक्टर लगा हुआ है इसके, और यहाँ पे जो बाहरली साइड ये है, ये इंडिकेटर है, ये सेम यहाँ पे भी लेफ्ट जलेगा तो यहाँ पे भी लेफ्ट चलेगा ऊपर, ठीक है। कई गाड़ियों में इधर भी होता है, ये तो बड़ी गाड़ी जो एक्सपेंसिव कार्स होती हैं उनके अंदर इधर भी दिया जाता है। तो अब ये जो हेडलैम्प है, ये भी हमारा दो चीज़ें करता है। एक तरफ तो नॉर्मल बीम होता है जो रोड की तरफ को, एक जब आप हाई बीम करते हो, हाई बीम में स्ट्रेट सीधी दूर तक लाइट जाती है, और लो बीम में नीचे की तरफ सड़क में नज़दीक में ही लाइट रहती है। लो बीम हाई बीम की वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा और टैग कर दूंगा, अगर आपने देखनी है आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ। तो अगर बीच पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिल है, ग्रिल वाला एरिया है, ये तो लोगो है कंपनी का, मारुति का। इस पोर्शन को जहाँ पे ये नंबर प्लेट लगी हुई है, इसको हम बम्पर बोलते हैं, फ्रंट बम्पर ये होता है, और सेम वही यहाँ पे लाइट है। और इस तरफ को देखेंगे तो ये हमारे पास जो है टायर्स हैं, और इस तरफ को ये अपना रिम, और यहाँ पे टायर भरने के लिए इसमें होती है नोजल, ये यहाँ पे लगी हुई है ये वाली, तो यहाँ से हम हवा भरते हैं। गाइस, पीछे की तरफ को अगर देख लें तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको ये जो लगा होता है यहाँ पे, इसको मड गार्ड बोलते हैं। इससे जो जब रोटेट होता है टायर, ये कीचड़ वगैरह उछलता है बारिश के मौसम में, तो पीछे ना जा करके इसमें रुक जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ये रियर बम्पर होता है ये वाला, ये पिछला बम्पर है, और यहाँ पर भी देखो लाइट आ गई एक, फिर इसमें रिवर्स लाइट होगी, एक पार्किंग लाइट होगी। मतलब नॉर्मली जब आप रात में इसको ऑन करोगे, अपनी हेडलाइट या पार्किंग लाइट ऑन करोगे, तो आपकी यही लाइट जलेंगी, हल्की सी रेड हो जाएंगी ये वाली लाइट, और जब आप ब्रेक दबाओगे तो ये वाली लाइट, यही लाइट गाड़ी हो जाती है, मतलब ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि दो तरह की लाइट्स लगी हैं, ऐसा नहीं होता, ये इंडिकेटर लाइट है।
तो जब आप इसको नॉर्मली पार्किंग लाइट्स वगैरह ऑन करते हो तो यही लाइट हल्की सी जलती है, ब्रेक दबाते हो तो यही जो है ब्राइट हो जाती है, ज़्यादा इसकी जो है वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है और जिस कारण से ये थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है, हमें लगता है ऐसा लगता है कि दूसरी लाइट और जल गई है और ज़्यादा विजिबिलिटी इसकी हो जाती है, जो भी पीछे से आ रहे हैं उनको पता लग जाता है कि आगे ब्रेक लगी है और रेड लाइट है तो आगे नहीं जाना है। सेम वही रियर पे भी नंबर प्लेट दी होती है और ये अपना आ गया डिक्की वाला पोर्शन, ये बूट तो यहाँ से ओपन हो जाता है, ये लॉक है तो 800 में तो यहाँ पे लॉक देते, चाबी से ओपन करना होता है, कई गाड़ियों में बटन दबाया और खुल जाता है, गाड़ी ओपन की तब भी ओपन हो जाता है। तो ये लाइट है सेम और बम्पर, और अगर हम छत की तरफ को आएँ तो ये है रूफ़, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा करके किया है कुछ गाड़ी में, आजकल तो मैक्सिमम गाड़ी में इधर को या सेंटर में आगे की तरफ को इधर को आ रहा है, बट अगर पुराने टाइम हम 800 की बात करें तो इसमें एंटीना यहाँ पे रहता है, तो ये इस तरह से ओपन होता है। FM वगैरह अगर आपने चलाना है गाड़ी के अंदर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो ये हो गए ऊपर की तरफ को, अगर हम बॉडी में देखते हैं ये यहाँ पर डोर हैंडल लगे हैं, इससे जो है डोर ओपन होता है। इसको क्या करोगे आप इस तरह से, ये देखो इस तरह से ऊपर की ओर खींचोगे तो लॉक ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब इसको लगाओगे तो लगाते हुए इसको कुछ नहीं करना, बस ताकि ऐसे बंद करनी है इसको, अगर लगाओगे तो ताकि आपकी लॉक नहीं होगी, ये देखो ऐसे ही ओपन होती रहेगी। अगर इसको आपने खोल के रखा यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखा तो बाहर की तरफ को अगर आप प्रेस कर रहे हो और इसको अंदर लगा रहे हो तो आपकी ताकि जो है डोर है कभी लॉक नहीं होगा, इसको आपको छोड़ना है लॉक करते हुए, उसका कुछ नहीं करना, और जब आप ओपन करोगे तो इसको बाहर की तरफ इस तरह से खींचना है तो दरवाज़ा खुद ही खुल जाएगा। तो यहाँ पे है की के साथ एंट्री, अगर आपको दरवाज़ा जो डोर है इसका वो की से खोलना है, इसमें की इंसर्ट करके एक तरफ घुमा के ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे होते हैं मिरर, तो ये आपके आते हैं पीछे बॉडी देखने के काम, कि भाई गाड़ी के किस तरफ राइट पे कितना स्पेस है, कितनी खुली जगह है, लग तो नहीं रही है गाड़ी को, या तो नहीं रहा है पीछे से। और ये है ब्लाइंड स्पॉट मिरर, इसको आप बाहर से लगा सकते हो, किसी भी गाड़ी के साथ ये लगा हुआ नहीं आता अभी तक। तो ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं राइट इंडिकेटर, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी और देख सकते हो ये इंडिकेटर, ठीक है। ये आपका मिरर और ये आपका डोर हैंडल, ये आपका चाबी के साथ जो एंट्री, यहाँ पे चाबी लगाने के लिए, और ये एडिशनल एक्सेसरीज़ हैं तो यहाँ पे जो लगाई गई हैं आई पॉप की, तो जब आप डोर ओपन करोगे अगर आपके सामने दीवार है, वॉल है, कुछ भी है, तो ये पहले बजेगा, ठीक है। तो क्लैडिंग, इसको आप गार्ड एक तरह से कह सकते हो कि दरवाज़ा सीधा नहीं बजेगा, ये पहले बजेगा ताकि दरवाजे पे किसी भी तरह का नुकसान ना हो। सो अगर हम डिक्की के अंदर देखें तो डिक्की के अंदर स्पेस होता है, यहाँ पे हमने एम्प और बूफर जो है लगा रखे हैं, स्पीकर्स लगा रखे हैं, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो अंदर की तरफ को, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ से इसमें हम चाबी यूँ करके लगाते हैं अंदर, और एक तरफ को ओपन करना, यहाँ से देखो ओपन हो गया, ये प्रेस हो रहा है, अब इसको इस तरह से ओपन कर देना, तो ये अपना जो है बूट वाला एरिया आ गया। ये स्पीकर्स लगे हैं, यहाँ पे बूफर लगा हुआ है, MBC में कनेक्टेड है एंड ऑल, इसके नीचे जैक वगैरह होते हैं, यहाँ पे गाड़ी का एक्सेसरी का सामान होता है, जो भी चीज़ें, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और डिक्की का जो यहाँ पर लॉक देखो दिया हुआ है, जब बटन प्रेस करोगे तो आपका लॉक जो अंदर से ओपन हो जाता है, जब इसको लगाओगे ना आप, तो ये वाला जो चीज़ है ये उस पर लगती है जा कर के, यहाँ पर लॉक हो जाती है डिक्की। तो अब इसको मैं लगा देता हूँ, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर कवर नहीं होंगी, बट जो चीज़ें बच जाएंगी वो चीज़ आप मुझे कमेंट कर लो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें हमने इस तरफ को ओपन हुआ था, ये इस तरफ को लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चेक भी करना है आपको, ये बटन दबेगा नहीं तो इसका मतलब लॉक है। कई बार डिक्की ढीली रह जाती है, तो एक बार ऐसे प्रेस करना, खड़खड़ की आवाज़, ठक ठक की आवाज़ नहीं, डिक्की हिलने की आवाज़ नहीं आ रही, तो डिक्की जो है लग गई है प्रॉपरली।